हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है आप सभी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले सारे कर्मचारियों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिसमें जो है फ्रेंड्स 10 साल से अधिक समय से जो भी कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों का जो न्यूनतम मानदेय है ये कम से कम 18,000 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप किसी भी विभाग में कार्य संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर आप लोगों का जो है उस विभाग में काम करते हुए कम से कम 10 साल हो चुका है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपकी ज्वाइनिंग हुए जो है लगभग 10 साल हो चुकी है या 10 साल पुराने आप संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा जो है इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है कि अब जो है आप लोगों का मानदेय 18,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा आदेश क्या है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं ये भी जो है आप लोगों को दिखा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है पहले इस न्यूज का जो है आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यूपी के इस महकमे में 18,000 से कम वेतन नहीं योगी सरकार ने दी सौगात, लेकिन इसके लिए जो है कुछ शर्तें भी दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि योगी सरकार की एक सरकारी विभाग को सौगात दी गई है। इस महकमे के सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 से कम वेतन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर आप लोग किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का जो है उस विभाग में 10 वर्ष का समय हो चुका है, यानी कि 10 वर्ष जो है आप लोगों के द्वारा उस विभाग में व्यतीत किया जा चुका है या आपकी ज्वाइनिंग हुए जो है लगभग 10 वर्ष हो चुकी है या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, तो आप लोगों को जो है 18,000 रुपये से कम मानदेय नहीं मिलेगा। ये चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा न्यूज स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, ये जो नोटिस जारी की गई है ये जो है वन विभाग के श्रमिकों के बारे में जो है इसमें बताया गया है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसके साथ में जो है ये भी चीज़ें बताया गया है, जो भी दैनिक वेतनभोगी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, अगर उनके द्वारा किसी भी विभाग में कार्य करते हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुका है या उनकी ज्वाइनिंग हुए कम से कम जो है 10 वर्ष हो चुकी है, तो उन सारे लोगों का जो न्यूनतम मानदेय है ये 18,000 रुपये प्रतिमाह होगा। यानी कि किसी भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी का मानदेय 18,000 से कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इससे कम जो है इन लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा। ये चीज़ें जो है इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, इस संबंध में जो आदेश है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 नवंबर 2023 को ही राज्य सरकार को दिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा जो है बार बार हाईकोर्ट की इस बात की अवहेलना की जा रही थी और इनके द्वारा जो है इस प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा रहा था, लेकिन फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा जो है इस शासनादेश को जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द ही जो है आप लोगों को इस न्यूनतम मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हुए लगभग 10 साल हो चुका हो, यानी कि कम से कम जो है आप लोग 10 साल से किसी भी विभाग में कार्यरत होने चाहिए, तभी जो है आप लोगों को इस न्यूनतम मानदेय का लाभ मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है सभी विभागों के संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को
इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि कम से कम जो है आपके द्वारा 10 वर्ष पूरा किया जा चुका हो, यानी कि उस विभाग में जो है आपकी ज्वाइनिंग हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुका हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर चले अगले वीडियो में मिलता है एक्सटी नाइट आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।